नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। जो जो लोगों को भी प्रॉब्लम थी कि भैया मैं दिखता नहीं हूँ, लो मैं दिखता। अच्छा ना, देखो विक्की को। हाँ, देखो क्योंकि आज संडे, सैटरडे संडे चूहा बिल के बाहर निकलता है। सैटरडे अभी भी वो जाएगा एक घंटे के लिए, तो आई एम श्योर। सो ओके, अब उपाय चल रहे, इंसान क्या करे, काम में बिजी रहता हूँ, कम से कम भूख नहीं लगती, नहीं तो दिन भर भूख 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 खाना चाहिए खाना चाहिए। हाँ विक्की के बेटा व्रत नहीं होते तब कौन सा आप फ्री रहते हो। हाँ वो बात। हाँ सो एक्चुअली अभी हम लोग कर रहे हैं, आज क्लीनिंग वगैरह होने वाली है, संडे है, तो काफी सारे लोग पूछते हैं आपकी बैल्कनी इतनी क्लीन कैसे रहती है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग क्लीन करते हैं अभी, क्योंकि अभी तो जैसे हाउस हेल्प अभी हमने बंद कर दी है, तो वो पोछा लगवाती थी मैं उससे, बट वो नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली आप पानी डालते हो तो मिट्टी गिरती ही नीचे है यार, मिट्टी में आप पानी डालोगे तो नीचे तो आएगी ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये दिख रही है आपको, पूरी गंदी हो रखी है। तो अब हम ये पानी लेकर के रखा हुआ है मैंने, और ये यूज्ड वाटर है एक्चुअली, मिट्टी वगैरह है ना इसमें से गिरती है, वो सब यहाँ पर है। ये हमारे घर से डेली क्लीनिंग होती है, और इसी से वैक्यूम क्लीनर से ही क्लीनिंग होती है, उसके बावजूद इतना ज्यादा डस्ट निकलता है। और मैं लिटरली ना तो अभी झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, मैं सिर्फ इसी से पूरा वैक्यूम कर देती हूँ। बट कमिंग फ्रॉम माय इंडियन हिंदू फैमिली, पोछा हम लोगों का मस्ट होता है, तो महीने में एक बार आप लगा सकते हो, बट लिटरली इसको लगाने के बाद आपको पोछा झाड़ू लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गाइस, तो एक्चुअली मैं ना दिन में सो गई थी, तो यस अभी हम लोग सो करके उठे हैं, तो मैं थोड़ा फेस वेस वॉश करके ऐसे सोतला हुआ फेस हटा करके नॉर्मल फेस से आ गई हूँ। एंड अभी क्या होता है ना, अभी दिन में हम लोग ऐसे जब हम लोग को सोना होना होता है ना, तो हम ये वाले कर्टन्स लगा देते हैं, ये येलो वाले, तो इससे काफ़ी हद तक ब्लैकआउट हो जाता है। और जब दिन में नॉर्मल रहते हैं तो ये वाइट वाले कर्टन्स लगा देते हैं, तो इससे काफ़ी रोशनी रहती है। अभी एक ही लगाया ना मैं आपको, दोनों बताती हूँ, सी दिस, इससे काफ़ी ब्राइट लिट रहता है। तो ये बेडशीट वगैरह ठीक करती हूँ मैं अभी, तो अब तो क्योंकि शाम हो गई है, तो शाम को तो मैं मोस्टली सभी ओपन कर देते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों की आज वेजिटेबल्स आ गई थी सुबह, वेजिटेबल्स है वो यहीं पर, एक भैया है नीचे जो है वो घर पे आकर के दे करके जाते हैं। तो अब तो क्या हो गया, पहले हमारा ऐसा होता था बिल्कुल गेट पे सब कुछ आता था, बट अभी दो दिन से ना सोसाइटी में मतलब नीचे बिल्डिंग में भी किसी को नहीं एंट्री दे रहे हैं, तो नीचे जाकर के आपको लेकर के आना पड़ता है। तो आज क्योंकि संडे है एंड नवरात्रि तो अभी भी चल रहे हैं, तो विक्की ने बोला है कि आज उसको खाना है ढोकला, और ढोकले के साथ क्या खाना है, ऐसी चीज होता है जो घर में बन सके, क्या बोलती है ये डेली जमके का। जिस दिन राजा बनाया था उस दिन जमके नहीं खाया था, जिस दिन नॉर्मल सब्जी बनाई थी उस दिन जमके नहीं खाया था, जिस दिन दाल चावल बनाया था उस दिन डेली जमके खा रहे हो, और डेली ये डायलॉग आता है आज जमके खाएंगे। हाँ व्रत चल रही है महाशय के, वेट तो कम हो रहा है ना, 77 से 75 पहुंच गए आज सुबह, तो मैं हैरान रह गया देख करके, मैंने बोला 74, बाप रे। नहीं नहीं, मैं ना वो क्लीनिंग कर रही थी और ये एकदम से चीखा जो कि ये नॉर्मली नहीं करता है, तो दो मिनट तो मेरा वही बीपी ऊपर हो गया एकदम ऊपर, मेरे को पता नहीं अब क्या हो गया भाई। फिर उसके बाद बोलता है मेरा वेट इतना हो गया है, मतलब इतनी एक्साइटमेंट 1 kg में, और वो बढ़ भी गया विद इन 5 मिनट्स। पानी पी लो बढ़ जाता है, 74.96 था, पानी पिया 75.5 हो गया। 100 ग्राम तो ऐसे ही बढ़ गया, तो ठीक है वेट ही तो है, बढ़ता ऊपर रहेगा वैसा है। तो बताओ ढोकले के साथ क्या खाना है, आप बताओ क्या बना पाओगी, आप बताओ, आप बताओ क्या बना सकती हो, सब हम तो सकते। सब खा सकते हैं, नहीं आप बताओ। आप जो बना दोगी हम सब खा जाएंगे, हमको पागल बनाना है आज आपको। हम आपको खा जाएंगे, समझ में ही खत्म है, ढोकले के साथ आपको पागल बनाना है।
भी मैं जाती हूँ ये वेजिटेबल्स जो हैं काफ़ी देर हो गया इनको क्वारंटीन में रखे हुए, तो अब दूसरे प्लेटफॉर्म में रख करके थोड़ा वॉश वॉश करके इनको सॉर्ट करते हैं, नहीं तो क्या होता है ना, धनिया और जितनी भी पत्ते वाली चीज़ें हैं ना वो सब ख़राब हो जाती हैं। पुदीना वुदीना मंगवाया है मैंने चटनी वटनी बनाने के लिए, तो सब चटनी जो है वो कल बनाऊँगी मैं। तो ढोकले के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो ये गिट्स का यूज़ करते हैं, खमन ढोकला, वैसे जो मिल जाता है हम उसका यूज़ कर लेते हैं। एक गिट्स का आता है, एक और अपन कोई सा यूज़ करते हैं ना पैकेट वाला आता है, खमन ढोकले के नाम से जो भी मिलता है ना वो जो मिल जाता है वो यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इसमें ना तो हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ नॉर्मली पानी मिला करके इसको आपको वो कर लेना है, मिक्स कर लेना है। बाल बांध लेती हैं क्योंकि किचन में काम करूँगी, तो बाल बांध के ही काम करते हैं, इधर उधर गिर गए अगर खाने वाने में तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये है कड़ी पत्ते के जो स्टेम होते हैं ना, सो आई एम गोइंग टू प्रोपेगेट देम। तो ये मैंने इसमें रख दिया है और अब मैं इसको रख देती हूँ बालकनी में ताकि धूप अच्छी लगे, तो ये अच्छी तरीके से प्रोपेगेट हो। दिस इज़ आवर फूड फॉर टुडे एंड यहाँ पर चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडी और ये हम लोगों का मिनी डाइनिंग टेबल है एंड देखना गिराना मत, हाँ तो ये हम लोगों का मिनी डाइनिंग टेबल है और विक्की उस पर बैठता है, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ एंड जस्ट इन्जॉइंग आवर डिनर। और टाइम हो रखा है 7:15 होने वाला है, वैसे 7:00 हुआ है, ये थोड़ी आ गया 10 मिनट, तो ये enjoying our food. Yes. Happy Navratri, yo. Hey guys, तो अब रात हो गई है काफी, हम लोग अभी यहीं पर बैठे थे, सीरीज वैसे ही कॉमेडी शोज वगैरह देख रहे थे, स्टैंड अप कॉमेडीज। तो अब जाती हूँ मैं सोने के लिए और काफ़ी रात हो गई है, काफ़ी रात तो नहीं हो गई अभी 9:30 हुआ है, बट 9:30 बजे से हम लोग बेड में बिल्कुल सब मॉस्किटो नेट वगैरह लगाते हैं और तैयारी करने लगते हैं सोने की। तो यस एंड बेड रूम जो है वो थोड़ा ठीक कर लेते हैं क्योंकि ये विक्की हमारे यहाँ जब बैठता है ना तो वो ये सारे पता नहीं क्या है यहाँ पर टिक के बैठता है, मतलब हेड रेस्ट बनाता है पूरी तरह से इसको, तो इन सबको वापस रख देती हूँ मैं जगह पे ताकि कल मुझे घर एकदम नीट एंड क्लीन मिले।
काफ़ी क्लीन एंड सॉर्टेड लग रहा है एंड डस्ट फ्री होम है, ताकि पूरा वीक जो है ना वो मेरा बहुत आराम से निकले और एक बार आपको बाहर बाहर होते हैं. Hi everyone, good morning. और आज है डे, आज डे नेक्स्ट है, मतलब कल के बाद मैं सीधे आज मिल रही हूँ. तो अभी तक मैंने शार वगैरह नहीं लिया है, सुबह वही नॉर्मल जो काम करते हैं वो सब काम वाम में करने लगी थी. तो आज हम दोनों निकल रहे हैं घर से बाहर, ऑलमोस्ट 20 डेज बाद निकल रहे हैं. मतलब आप सोचो, मैं बिल्डिंग के नीचे भी नहीं जाती थी, बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकल रही हूँ मैं. घर से बाहर छोड़ो, आज हम कार में बहुत दिनों बाद बैठने वाले, 20 दिन बाद अपन कार में बैठेंगे ना. हमारी कार ही आज एकदम डस्ट में हो रही होगी, आई एम श्योर. बहुत दिनों बाद हम निकल रहे हैं और ज़रूरी काम है इसलिए निकल रहे हैं. सबसे पहले तो विक्की को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको स्पेक्स की चीज़ बताई थी ना, तो उसको वो स्पेक्स लगाने से काफ़ी हेडेक इशूज़ हो रहे हैं, तो उसका नंबर चेंज हुआ है. जो भी हुआ है तो मैंडेटरी है, डेली डेली सर दुख रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है. 3 दिन से तो कंटिन्यूस उसका दिख रहा है और वो दिन भर स्क्रीन के सामने रहता है, तो उसके लिए मस्ट है ना स्पेक्स के लिए. तो वो काम कराने के लिए जा रहे हैं. और दूसरे मैंने लिस्ट बना ली है कि क्या क्या चीज़ें और हमको कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो सब मैं लेकर के आऊँगी. तो मैं डबल मास्क पहन करके जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ही मोस्टली, तो सिर्फ स्पेक्स वाली शॉप पर विक्की निकलेगा, बाकी जगहों पर जो भी काम वगैरह रहते हैं वो सब मैं ही करने वाली हूँ. तो यस, यही कपड़े पहन के जा रहे हैं, ताकि आ करके हम लोग फिर डायरेक्टली शार ले लेंगे. तो निकलते हैं आज काफी दिनों बाद अपनी गाड़ी में. तो अब मैं आपको मिलती हूँ मोबाइल के कैम से. स्वेटिंग, बहुत गर्मी हो रखी है, धूप बहुत तेज है. गर्मी तो नहीं, बट धूप बहुत तेज है एक्चुअली. तो फाइनली हम लोगों ने बुक कर दिया है लेंसकार्ट से. हमारे बिल्कुल कॉलोनी के अंदर ही लेंसकार्ट था, कॉलोनी के अंदर मतलब हमारे कॉलोनी के अंदर ही है, निकलते से ही लेंसकार्ट है. तो बहुत अच्छी हमको डील मिल गई, दो एक बाय वन गेट वन फ्री था. तो 4019 रुपीज में ना, 46 रुपीज में ईयरली मेंबरशिप भी मिली. हाँ, हमको 46 रुपीज की, जनरली 600 रुपीज की उनकी ईयरली मेंबरशिप होती है, बट अभी ऑफर हमारे पास कुछ था वो सब, तो उससे हमको तो बहुत ही, हाँ बहुत ही सस्ता पड़ गया. दो लिए हैं विक्की ने, एक तो वो जब आ जाएगा ना तो मैं बताऊंगी, वो बहुत ही सही है. जो दूसरा वाला आया है वो इस टाइप का है कि आप सनलाइट में भी उसको लगा सकते हो. खत्म हो गया अभी, उन्होंने बोला है कि जब, मैं तो विक्की को बहुत टाइम से बोल रही हूँ, टीनू ने जब ऑपरेशन करा, टीनू ने ना अपना वो करवाया है, लेजर करवाया है आंखों का. सो अब वो कोई स्पेक्स वगैरह का हेडेक नहीं रहता. विक्की का भी पावर है, अच्छा खासा पावर है, तो मैं विक्की को काफी पुश कर रही हूँ. कि टीनू ने भी बोला था, उसका भी हमने देखा, बढ़िया मस्त बिना स्पेक्स के घूम रहे हैं. अभी क्या स्पेक्स से आपका नंबर ऊपर नीचे होता है, लोग इतने इतने घंटे काम करते हैं तो हेडेक होने लगता है, ये वो बहुत सारे हेडेक हैं. तो मैं विक्की को वही बोल रही हूँ कि करवाओ, अभी तो कम एज है तो करवा लो, बढ़ जाएगी तो फिर तो दिक्कत आएगी और ज़्यादा आँखों में. तो देखते हैं, लेट्स सी, कोविड वगैरह बंद होता है तो फिर हम एक ट्राई मार सकते हैं. हे गाइस, सो वी आर बैक नाउ. एंड एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिनों बाद बाहर निकले हैं, तो या तो इसलिए या पता नहीं किस लिए, बट आज मैं जब इतने दिनों बाद धूप में निकली हूँ घर से बाहर,
तो आई एम फीलिंग लाइक मेरे अंदर से पूरी पूरा वाटर पूरा पानी निकल गया, एकदम एग्जॉस्ट है। तो विक्की अभी मैंने ना एक कड़ी पत्ते का प्लांट लिया है, यस यहीं पर हम लोग गाड़ी लगाते हैं, यहाँ अंदर भी लगाने की जगह है और हम लोगों को अलॉटेड है, बट हमारा जो है ना ऐसे ऊपर वाला है तो यहाँ ऊपर गाड़ी लगाने की जगह हम लोग यहीं सामने गाड़ी लगाते हैं। ओके गाइस, तो शार वगैरह सब कुछ ले लिया है मैंने एंड जो प्लांट्स हम लोग लेकर के आए थे वो भी हम लोगों ने लगा दिए हैं एंड जो लेंस कट वाला है जब वो आ जाएगा, वो जब आ जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, सो दैट अगर किसी को बनवाना हो और उनको चाहिए हो उस तरह का तो दे कैन गो अहेड।